जो सुना वो सच है। ऐसा क्यों किया? तुम तो हमारी थी। अधिकार तुमने किसी और को क्यों दिया? खास करके हमारे दुश्मन को। अधिकार तुमने किस अधिकार किसी और को दिया? पर किसी का अधिकार नहीं होता सरकार। भूख छोटे बाबू, भूख मिटाने के लिए इंसान मजबूरी में कुछ भी कर लेता है। मैंने भी वही किया। ये घर तो सिर्फ आपसे चलता था ना। जब आप इतने दिन तक नहीं आए तो हमारे तो बागों की नौबत आ गई थी। अगर तुम्हारी ऐसी नौबत आ गई थी तो तुमने वृंदावन को हमारे हवेली क्यों नहीं भेजा? मैं गया था हुजूर, मगर किसी ने आप तक पहुंचने नहीं दिया। छोटे बाबू, आप अपनी चुन्नी को गलत मत समझिए। चुन्नी का अस्तित्व सिर्फ आपसे है। सो रही है, बहुत फिक्रमंद थे कि नाटू दत्त बाबू आएंगे तो मैं उन्हें कैसे मना करूंगी। मैंने कहा अरे नाटू दत्त बाबू बुरे आदमी थोड़ी है जो नहीं मानेंगे। ठीक कहा तुमने, तबीयत खराब है, चलो चल के उसका हाल ही। सर वो तो अब सोई हुई है,
अगर आप चाहते तो उठा देता हूं। सो गई होगी? हाँ। तो फिर रहने दो, मैं आज मुन्नी भाई के यहां जाता हूं। जी सर। चलो। सुनना भूत, अगर छोटे बाबू कहीं जान बाजार गए तो मैं भी घर पे नहीं रहूंगी। तो कहाँ जाएंगे? कहीं भी, खुले आकाश के नीचे। अच्छा तुम ही बता, कहाँ चलेगा? अब मैं क्या कहूँ छोटी बहू? नगर के बाग में चले या खरदा के मेले में, सबसे अच्छा रहेगा अगर गंगा में नौका विहार के लिए चलेंगे। चल उठना भूतना। चल तू भी तैयार हो। नहीं, मैं नहीं पीता, मुझे इसकी बू पसंद नहीं। शुरू शुरू में मुझे भी ऐसा लगता था, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। ले पीना। अरे पी ले। साले साहब, वो साले साहब, साले साहब उठिए ना, साले साहब उठिए। अरे कहाँ ठीक है साले साहब, छोटे बाबू फिर से जान बाजार चले गए। उठिए ना। क्या? हाँ। और इसी को लेके छोटी बहू रानी और छोटे बाबू में बहुत कहा सुनी हो गई है। हे भगवान, अब हम क्या कर सकते हैं बंसी? यही तो हम भी कह रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं। आज तक हवेली की कोई भी औरत किसी भी पराए मर्द के साथ कभी भी बाहर नहीं गई है। हाँ तो क्या? वो तब से जिद करके बैठी है कि भूतनाथ को बुलाओ, हम उसके साथ बारा नगर जाएंगे घूमने के लिए। कैसी बात कर रहे हो तुम बंसी? नहीं नहीं नहीं, ये ठीक नहीं होगा। तुम कह रहे ना कि पराए मर्द के साथ क्या? मैंने, अरे यही बात तो हम उसको समझा रहे हैं, लेकिन वो समझने की स्थिति में हो तब ना। जब से छोटे बाबू गए हैं ना, तब से बेतहाशा पिए जा रहे हैं साले साहब। मेरी बात सुनिए साले साहब, एक काम कीजिए, आप हमारे साथ चलिए और चल के आपकी भाषा वो समझती है, उसको समझा के कोई भी बहाना बना के टाल दीजिए। भूतनाथ तू आ गया, कब से तेरी राह देख रही थी। आ बैठ, बैठ ना। ले, आज तू भी पी। छी, छी छोटी बहू, जिसे बदबू से नाक बंद हो जा रही है, उसे आप अलग से कैसे नीचे उतारते होंगे? ऐसा ही लगता था, शराब की बदबू गंदी लगती थी। अब तो जैसे ये मेरे खून में मिल गई है। बस छोटी बहू, बस बस छोटी बहू, अब और नहीं पीएंगे आप। क्यों क्यों नहीं पीऊंगी? हाँ, मैं किसी के पैसे का नहीं पीती।
अपने ही पैसे का पीती हूँ। हाँ तो मरो पीकर, मरो पीकर, किसी को क्या पड़ी है? और आपको इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि आपके पीने से किसी को कितना दुख पहुंचता है? किसको दुख पहुंचता है? हाँ बोल, तुझे बोलना। हाँ मुझे। चले गए, किस चीज की कमी छोड़ी थी मैंने छोटे बाबू के लिए, क्या वो पूरी करने के लिए बार बार चुन्नी के पास चले जाते हैं? दिनों से छोटे बाबू को पाकर मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैंने अपनी मुट्ठी में स्वर्ग पा लिया है, लेकिन वो सब झूठ था, झूठ था। मेरे मुट्ठी में स्वर्ग नहीं, मेरे मुट्ठी में रेत थी, रेत जो मेरे हाथ से बिखर गए, बिखर गई है, बिखर गई है, बिखर गई है। छोटे बाबू, मैं जानता हूं कि छोटे बाबू के जान बाजार जाने से आप बहुत दुखी हैं, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि आप पी पी कर अपनी तबीयत खराब कर दें। मेरी तबीयत खराब नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देख, पहले से तो मेरा रंग भी निखर आया है और मेरे गाल भी लाल हो गए हैं। तुझे क्या मैं बीमार दिखती हूँ? नहीं, बहुत खूबसूरत लग रही हैं। ये बताइए, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मैंने तुझे बुलाया था। देख, मैं बिल्कुल तैयार बैठी हूँ। चल, 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 हम दोनों बरानगर जाएंगे। हाँ, मेरा इस हवेली में दम घुटता है। नहीं, नहीं छोटी बहू, आपका मेरे साथ जाना ठीक नहीं होगा। क्यों ठीक नहीं होगा? जाने में डरता है क्या? यही समझ लीजिए। तुझे क्यों डर लगता है? हाँ? देख, मेरे होते हुए ना तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं। हाँ छोटी बहू, अभी आप बहुत नशे में हैं। हाँ, तू सच कहता है, मैं नशे में हूं,
तुमने अपने होश नहीं खोए। आज छोटे बाबू मुझे छोड़कर फिर जान बाजार चले गए हैं। मुझे याद है, मुझे याद है। मैं भुलाना चाहती हूँ भूतनाथ, मैं भुलाना चाहती हूँ। अरे तो खाली है दूसरी बात। हट। नहीं छोटी बाबू, मुझे बोतल दे दे भूतनाथ। नहीं, मैं आपको और नहीं पीने दूंगा छोटी बाबू। हाँ, मैं पीऊंगी, खूब पीऊंगी। और जिसे जिसे मेरा पीना पसंद हो वो मेरा कमरा छोड़कर चला जाए। मैं जाता हूँ। हाँ हाँ चला जा, तू भी चला जा, सब चले जाओ मुझे छोड़कर। मैं पीऊंगी, खूब पीऊंगी। हाँ सुन ले, चला जा। मैं पीऊंगी। हाँ मैं किसी के पैसे का नहीं पीती। रास्ते से जाने के बगैर आम रास्ते से चलेगा। भैया वो देखिए सौदा मैंने देख लिया, क्या होगा? विमला सुन, क्या हुआ दीदी? मेरी आंखों ने जो देखा मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। तुमने क्या देखा दीदी? बताते हुए मेरी जुबान कांपती है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। बताओ ना दीदी, ऐसा तुमने क्या देख लिया? आहिस्ता आहिस्ता, अभी अभी बाहर के एक मर्द को छोटी बहू के कमरे से निकलते हुए देखा। हाय राम, तुम ये सच कह रही हो दीदी? झूठ बोलो तो कीने पड़े। पर वो था कौन? मैं उसके पीछे पीछे बाहर तक गई, गौर से देखा, वो कोई और नहीं था, साली साहब थे। साली साहब? हाँ। ये नहीं भूतपाल बाबू? हाँ देख, तुझे मेरी कसम तो किसी को बताना नहीं। नहीं बताऊंगी दीदी, बस ठीक है मैं चलती हूँ। बड़ी माँ, बड़ी माँ क्या हुआ? तू ऐसे हाँप रही है जैसे भूत तेरे पीछे पड़ा हो। बड़ी माँ उसका नाम भूतनाथ ही है, मैं अभी अभी पता करके आ रही हूँ। मैंने उसे अभी अभी छोटी बहू के कमरे से निकलते देखा, बहुत देर तक छोटी बहू के कमरे में रहा। छोटी बहू खुद तो नशा कर रही है और शायद उसे भी पिलाया होगा। क्या? ये छोटी तो बहुत ही छोटेपन पे उतर आई है। गैर मर्द आज तक कभी जनान खाने में घुसे नहीं और आज मुंह उठाए चले आ रहे हैं। सब मेरी वजह से हो। ना उस दिन छोटी बहू को शराब ला कर देता, ना उन्हें शराब की लत पड़ती। हे भगवान, ये मुझसे कैसा पाप हो गया।